आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सकें तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो था वो घंटे का रहा और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायी दत्ता दिव्यंशा सा, कौशिक इसके अलावा अंसल सिंह स्वेता दाजिस राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए ये आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट भी देखने को मिल जाते हैं इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग को कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी बी रेटिंग के रिलीज के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्वनिर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइन दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखता है हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड पे देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टैलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत थी, या फिर कोई ऐसी राय चीज़ें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में इस दर्द नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड क्राफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे भी देखने को देखने मिल जाता है इसका जो रन टाइम था लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः निर्मित मोड है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथतवार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से गुजर रहे थे या या फिर रुखिया वाले कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मजीदें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी वो इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको बताइए होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका यहाँ के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ शुदा कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नज़र आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती है और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी बुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजीस राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकाफ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर लेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए द तो वाइब दो की आई एम रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ निमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड पर देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्होंने कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत थी, या फिर कोई ऐसी रह चीज़ें थी तो जो वो डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमित चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका आके अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नज़र आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे एंजॉय कर सकें तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्टे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायन दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह स्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वाइफ मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को इसे गया था। जो इसकी कहानी है इसके अंदर अंदर शुरुआत आप के आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही सात की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनिर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथावार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड पर देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सनिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी स्टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से गुजर रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रह चीजें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी वो इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमी चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के, के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में इसके दर्द नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती है और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा किया हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमीत चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वे मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग को कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए द तो वाइब दो की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस साले के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे या या फिर क्या वाले कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मज चीज़ें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे हमले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्थित नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वाइफ मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही सात की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्निर्मित मोड है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथतवार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से गुजर रहे थे हैं। या या फिर क्या मैंने कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमी चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ही ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिली के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सानी दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्त्री दर्ग भाई अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वे मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकाफ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए द तो वाइब दो की आई एम डी रेटिंग के रिलीज के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वह अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस साले के साथ निमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखता है हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मज चीज़ें थी तो जो वो डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका आके अंदर आपको नज़र आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह स्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पर जो तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी इसका देखने को शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः मोड है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस साले के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ही फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती है और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमीत चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजीस राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ ये आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वाइफ मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे जो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारका भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर लेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही सात की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनिर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मजीदे थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के, के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्थित नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड क्रफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायनी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे स्टारकाफ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वैब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वह अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनिर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैले के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है सान दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखता है हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टैलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी राय चीज़ें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमित चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सानी दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका यहाँ के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए द तो वाइब दो की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही सात की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वे अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथावार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सनिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी स्टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया वाले कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मज चीज़ें थी तो जो वो डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिली के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका यहाँ के आगे अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नज़र आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती है और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ़ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वे मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकाफ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर लेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए द वाइब दो, दो की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर एक किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखता है हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे हैं। या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत थी, या फिर कोई ऐसी रायसी मज चीज़ें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक यह आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमित चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं ही ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिली के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका आ के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में इस दर्द नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वाइफ मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को इसे गया था। जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो की आई एम रेटिंग के रिलीज के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्निर्मित मोड है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथतवार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पे देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से गुजर रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रह चीजें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी वो इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमी चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ही ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्थित नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी बुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वे मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकाफ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर लेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए द तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वह अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैले के साथ निमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखता है हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउटिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत थी, या फिर कोई ऐसी रह ऐसी मचीजें थी तो जो वो डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमित चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के, के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नज़र आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए या आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे एंजॉय कर सकें तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्टे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायनी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह स्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वाइफ मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को इसे गया था। जो इसकी कहानी है इसके अंदर अंदर शुरुआत आप के आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही सात की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्वनिर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथावार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड पर देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सनिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी स्टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से गुजर रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी वो इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमी चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के, के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती है और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा किया हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमीत चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायनी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टार भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग को कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो की आई एम रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे या या फिर क्या वाले कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मज चीज़ें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमित चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे हमले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और साइना दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के, के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में स्थित नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ़ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सकें तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायनी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकाफ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वह अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्वनिर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैले के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है सान दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टैलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी मज़े थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमित चौधरी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसा ही ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सानी दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा किया हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को जरूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यसा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वे मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी फ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए द तो वाइब दो की आई एम रेटिंग के रिलीज के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनिर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर एक किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथावार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड पर देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी स्टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मई चीज़ें थी तो जो वो डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक यह आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसा ही फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और साइना दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नज़र आती है जो कि मुंबई में स्त्री दर्ग भाई अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमीत चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायनी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह स्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता को कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी बी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वह अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस साले के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखता है हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड पे देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टैलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रह चीजें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वेब मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी देखने को देखने मिल जाता है इसका जो रन टाइम था लगभग दोस्तों घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो जरूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो की आई एम रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही सात की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वो अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्निर्मित मोड है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमीत चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथतवार बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी स्टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से गुजर रहे थे या या फिर रुखिया वाले कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहसी मजीदें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी वो इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो जरूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमीत चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नज़र आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमित चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर सके तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी साणी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह श्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वे मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छी स्टारकाफ्ट भी देखने को मिल जाता है इसका जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों एक घंटे पचास मिनट का है और उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को इसे रिलीज लगभग कराया गया था जो इसकी कहानी है इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर बिस्तर पर लेटे एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोग करता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए द तो वाइब दो की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही साथ की रेटिंग हुई थी पर फिलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वह अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनः निर्मित मोड़ है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैले के साथ निमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टेलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत थी, या फिर कोई ऐसी रह चीज़ें थी तो जो वो डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी और इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमित चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसा ही ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमीत चौधरी है और सायन दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका आके अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नज़र आती है जो कि मुंबई में स्थित एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमी चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ़ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है आपका मेरे वीडियो में स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ साथ ही में दोस्तों अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे एंजॉय कर सकें तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है द वाइफ 2021 में से रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर हॉरर और रोमांस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं रन टाइम इसका दोस्तों लगभग जो था वो दो घंटे का ही रहा था और इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है जो लीड काफ्टे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं गुरमित चौधरी सायनी दत्ता दिव्यंशा कौशिक इसके अलावा अंचल सिंह स्वेता दाजिश राजीव पांडे चंद्रकांत तनेजा और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और सभी ने दोस्तों काम बहुत ही बढ़िया इस मूवी के अंदर किया है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है दोस्तों मूवी तो काफ़ी अच्छी है ही साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है वो भी बेहतरीन है और बहुत सारे ट्विस्ट से भरी हुई है अगर आप लोग रोमांटिक मूवीज देखते हैं तो आपको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए यह आपको अच्छी लग सकती है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपको कहाँ पर हिंदी में मिलेंगी तो अगर द वे मूवी को आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो वैसे ये मूवी ऑफिशियल अवेलेबल है और ये मूवी आपको जो है मिल जाएंगी जी फाइव पे तो जी फाइव है उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करा रखा है हालांकि इसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया था और इसके अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे देखने को देखने और उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को इसे गया था। जो इसकी कहानी है यहाँ पर बिस्तर पर रिलेट एक महिला के पैरों पर रेंगते चूहे के परेशान करने वाले शॉट से होती है जिसे महिला के दृष्टिकोण से शूट किया गया है जिसे दर्शक के लिए खुद को उसकी स्थिति में कल्पना करना आसान हो जाता है और ये फिल्म दोस्तों आपको जो है एंड तक बांधे भी रखती है ये फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करता है प्रत्येक दृश्य यहाँ पर और कैमरा एंगल के साथ ये उपयोगकर्ता और कोई व्यस्त रखने का प्रयास भी करता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम तो ज़रूर है इसके अलावा शायद इसलिए तो वाइब दो हज़ार इक्कीस की आई एम डी रेटिंग के रिलीज़ के महज इसका जो कुछ घंटों के अंदर ही सात की रेटिंग हुई थी पर फ़िलहाल इसकी रेटिंग दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है हालांकि फिल्म की जो कथानक है वह अनोखी नहीं है हालांकि जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह अनोखा है स्क्रिप्ट में जो पुनर्वनिर्मित मोड है लेकिन एक अच्छा अंत भी है जिसकी उम्मीद बहुत लोगों से नहीं करेंगे जब तक कि वे इस शैली के साथ नियमित न हो जाते हैं गुरमित चौधरी ने ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर किरदार निभाया हुआ है जो असाधारण काम किया है जो असाधारण चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं वे आपको अपने चरित्र का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे वरुण को भरोसेमंद बनाता है साइना दत्ता यहाँ पर उसकी जो पत्नी आर्या के रूप में उनका समर्थन करते हैं और अच्छा काम भी करती है और सामने आने वाले नाटक को यथार्थवादी बनाना जारी रखता है हालांकि यहाँ पर इसकी जो कहानी है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके आउट सेंडिंग कहानी और इस मूवी का जो स्टोरी टैलिंग वो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाती है चलिए मैं आपको इस मूवी की जो स्टोरी है वो एकदम सिंपल वे में बताने की को कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि इस मूवी के अंदर स्टोरी क्या है तो दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी वरुण और उसकी पत्नी आर्या जो कि उनके द्वारा शहर में एक फ्लैट खरीदने से होती है और उन्हें फ्लैट में आवाज़ें सुनाई देती है और चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कहानी के बाकी भाग बाक से पता चलता है कि क्या वे जो है वो कई समय से, से बूझ रहे थे या या फिर किया उन्हें कोई बीमारी थी या सचमुच उस फ्लैट के अंदर कोई भूत या फिर कोई ऐसी रहें थी तो जो उन्हें डरा रही है यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है हालांकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड तक ये आपको बांधी भी रखेंगी वो इसके दोस्तों इस फिल्म को जी फाइव पर रिलीज़ कर दिया गया है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने इसे अभी तक देखा हो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस कमाल की मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही अच्छी मूवी को मिस किया है तो आप इस मूवी को जो है वो ज़रूर देखिए इसके अंदर आपको दोस्तों जो है गुरमी चौधरी का आउट स्टैंडिंग देखने को मिल जाता है जिनका काम भी बहुत ही बढ़िया है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी जो मूवी है इसका यहाँ पर निर्माण किया हुआ है तो अभी तक आप इसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसी फिल्में आती रहती हैं वैसे ये फिल्म ए सेंसर्ड है तो आप इसे फैमिले के साथ तो देख सकते हैं मगर आपको कुछ सीन यहाँ पर होंगे जो कट करने पड़ेंगे फिर आप देख पाएंगे जो गुरमित चौधरी है और सानी दत्ता है वह इस मूवी के अंदर मुख्य भूमिका यहाँ के अंदर आपको नजर आएंगे और फिल्म की कहानी एक साथ कपल के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जो कि मुंबई में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती है और यही आपको इस मूवी के अंदर बारीकी से दिखाया गया है इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही बढ़िया है अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि उस फैट के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था और क्या वहाँ पर सच में कोई भूत प्रेत आत्मा है या नहीं सारे सवाल का जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इस मूवी को देखेंगे इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको निराश नहीं करेंगी गुरमित चौधरी एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारे शो के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी एक्टिंग जो है बहुत ही बेहतरीन है मिलाकर एक अच्छी फिल्म है तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हैं ये मूवी आपको सिर्फ जी फाइव पर ही देखने को मिलेंगी बाकी ये मूवी दोस्तों टीवी के ऊपर नहीं आती है